बोकारो में बाबूलाल का बयान, झारखंड में हमारी सरकार आने वाली है और हम टास्क फोर्स का गठन कर चुन चुन कर एक एक बांग्लादेशी और रोहनियों को झारखंड से भगाने का काम करेंगे। उक्त बातें बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 1951 में पूरे झारखंड में आदिवासियों की आबादी 36% थी, लेकिन आज 26% हो गई है। वहीं संथाल परगना की बात करें तो आबादी 44% थी, जहां अब 28% हो गई है। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में 10% की कमी आई है। वहीं संथाल परगना की बात करें तो आदिवासियों की आबादी में 16% की कमी आई है। वहीं मुस्लिम आबादी काफी संख्या में बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सनातनियों की आबादी लगातार घट रही है और मुस्लिम रोहनिया बांग्लादेशी की घुसपैठियों के कारण उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार झारखंड में आते ही डबल इंजन की सरकार के द्वारा सभी बांग्लादेशी और रोहनिया मुसलमानों को टास्क फोर्स का गठन कर एक एक को चुन चुन कर भगाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 1971 के बाद जो भी घुसपैठिए आए हैं उनको चिन्हित किया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी के साथ साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अलावा नेता प्रतिपक्ष और चंदन क्यारी विधायक सह प्रत्याशी अमर कुमार बावरी और भाजपा बोकारो विधायक सह प्रत्याशी विरंची नारायण भी मौजूद हैं। इस दौरान हेमंत सरकार पर भी जमकर बरसे और कहा कि इस सरकार ने केवल लूज घटसोट का काम किया है। हमारी सरकार आई तो युवाओं को रोजगार के साथ साथ महिला सम्मान देने का काम करेंगे, साथ ही युवाओं को शिक्षा के लिए सहयोग राशि देने का काम करेंगे ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सकें। के कारण सभा नहीं हो पाई, लेकिन जो बात है सभा में हम सब लोग जनता के कहते हैं तो आप सब लोगों के माध्यम से ही वहां तक पहुंचाने के लिए जिला अध्यक्ष और वीरेंद्री जी ने व्यवस्था कर दिया मरम्मत देने के लिए। प्रेस के माध्यम से आप अपनी बात को वहां तक पहुंचा सकते। तो आप सबको पता है कि आप चुनाव झारखंड में दो चरणों में होना। अरे एक जगह खड़ा रहिए ना। प्रथम चरण और द्वितीय चरण, प्रथम चरण की 13 तारीख को चुनाव होना है और द्वितीय चरण बोकारो विधानसभा का चुनाव द्वितीय चरण में है। और जब चुनाव होता है तो चुनाव में कुछ मुद्दे होते हैं, आप सब लोग भी इस बात को पूछते हैं कि भाई कौन सा मुद्दा किसको क्या ले करके आप जनता के बीच आए। तो मैं प्रमुख रूप से कुछ बातों की ओर आपका ध्यान को केंद्रित करना चाहूँ। एक तो झारखंड प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार चल रही, लेकिन 5 वर्षों में सरकार ने झारखंड की जनता को ठगा। अगर हम ये कहें कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, ऐसा कहना सबसे ज्यादा सबको ठगा। और जो झारखंड को इन्होंने लूटा भी है, लुटवाया है। अब पहली बार तो आप सब याद करें जब 2019 के चुनाव के मैदान में हेमंत सोरेन ने गए थे तो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया और उन्होंने गरीबों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 72,000 रुपया साल में गरीबों को मिलेगा। पूरे 5 साल गुजर गया, 72 लोगों को भी नहीं मिला 72,000। अगर शुरुआत भी कर देते तो हम समझते कि चलो भाई कुछ तो इन्होंने किया। दूसरा, माँ बहनों को कहा था कि अब हमारी सरकार बना दीजिए वोट दे करके, प्रत्येक महीना चूल्हा खर्च 2,000 रुपया देंगे, वो भी नहीं दी। फिर लड़कियों से उन्होंने वादा किया था, कहा था कि आपकी शादी जब होगी तो हम सोने की सिक्का देंगे। पूरे 5 वर्षों में पता नहीं लाखों बच्चों की शादी हो गई, लेकिन किसी को उन्होंने सोने की सिक्का नहीं दी। फिर उन्होंने जो वृद्ध है, विधवा है, दिव्यांग है, उनसे भी वादा किया,
कि सरकार बनेगी तो हम 2,500 रुपये पेंशन देंगे। पूरे 5 साल गुजर गया, किसी को उन्होंने पेंशन नहीं दी 2,500। और उसके साथ साथ नौजवानों को भी उन्होंने ठगा, नौजवान भी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लो। पूरे 5 साल पूरा हो गया, 5 लाख नौकरी तो छोड़ दी, बल्कि 5 वर्षों में जितनी भी एग्जाम हुए, चाहे वो जीपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, बिना कोई भी एग्जाम जिसमें पेपर नहीं लीक हुआ हो, ऐसा नहीं, लड़के एग्जाम दे करके निकलते थे और सड़क पर विरोध करते थे, सबूत के साथ लड़कों के ऊपर डंडे भी बरसाए जाते, लड़कों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ना पड़ता। यानी जो बच्चे अपनी मेहनत करते, पढ़ाई करते, लेकिन उसको छोड़ कर के उनको आंदोलन करना, और हद तो तब हो गया झारखंड की विधानसभा में जो पहली बजट इन्होंने पेश किया था 2020, तो कहा था कि रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000। पूरे 5 साल आप गुजर गया, लेकिन किसी को इन्होंने भत्ता नहीं दिया। हम कहें कि झारखंड में गरीबों को ठगा, महिलाओं को ठगा, बच्चियों को भी ठगा, नौजवानों को भी ठगा, और झारखंड को इन्होंने लुटा दिया, लुटाया। चाहे वो नदी की बालू हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे कोयला हो, लोहा हो, यहाँ तक कि जमीन को भी नहीं छोड़ा, जो आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते, आदिवासियों की जमीन के कागजात भी इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। और फर्जीवाड़ा के लिए भी कलकत्ता को क्यों किया, पिछले दिनों आप सबने देखा कैसे लोग पकड़ाए गए, और उन्होंने सबके साथ फर्जीवाड़ा करके बेचा। सेना की जमीन तक तो इन्होंने नहीं, तो आज मैं ये कह सकता हूँ पूरे 5 साल ठगा भी और लूटा भी। और जब चुनाव के वर्ष आया तो आपने देखा कि माँ बहनों के लिए मैया योजना 1,000 टका 3 महीना से, तो ये 4-5 वर्षों तक जो ये सरकार रही, इन्होंने ठगा और लूटा। और सामान्यतः सरकार से हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक हो, चोरी डकैती हत्या अपहरण बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं रही, हेमंत सोरेन के राज पूरी तरह से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ गई। 2022 में तो जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ वो भारतवर्ष में झारखंड का था नंबर 1 पर, छोटा सा राज्य आप समझ सकते। और इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार की हालत है इस राज्य में, मैं बड़े बड़े भी भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लूट जा रहा है, कहाँ का न्याय है? अरे मुख्यमंत्री को कौन घेर रहा है भाई, हमें तो झारखंड को बचाने हैं, इसको घेरने से हमको क्या मिलने वाला है? इस झारखंड को जो इन्होंने 5 वर्षों में हालत को बद से बदतर कर दिया, उसको ठीक करना है, उसके लिए हम सब लोग लगे हुए। परिवार का ही एक हिस्सा, किसी के पत्नी, किसी के भाई, किसी के बहू, वो भी तो परिवार का हिस्सा है यार, उसको आप परिवार से कैसे बाहर कर दे रहे हो? आप पति पत्नी पे झगड़ा करवा दोगे का? आप कहे नहीं उसको शरण किए, नहीं मैंने कहा का, हमने कहा कि देखिए चुनाव जब हम लड़ते, चुनाव में कई कारकों के बारे में हम विचार करते हैं, उसमें से हम फिर चुनाव लड़ाते हैं किसी को। लेकिन आप जब कहें कि उसके परिवार के अगर किसी की पत्नी है तो वो परिवार के पार्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं, वो भी एक परिवार के पार्ट है।